हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ डीपीए फैक्ट्स फैक्ट्री में। लास्ट के दो फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बने रहिए इसी वीडियो में। फैक्ट नंबर वन, पूरी दुनिया में मैगी बहुत ही पसंद किए जाने वाले नूडल्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक दिन में मैगी के कितने पैकेट्स बिक जाते हैं? इसमें चिंता की कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। पूरे एक दिन में मैगी के 120 मिलियन पैकेट बिक जाते हैं। जब तक मैंने आपको ये फैक्ट बताया, इतने में मैगी के 2000 पैकेट बिक चुके हैं। फैक्ट नंबर टू, जब हम बात करते हैं, चाहे वो धीरे से हो या छोटी सी बात हो, हमारे मुंह की 72 मसल्स काम करती हैं। फैक्ट नंबर थ्री, अगर आपको लगता है कि फेस क्रीम एक आधुनिक खोज है, तो चलिए हम आपको 2000 साल पीछे ले चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने लंदन के एक प्राचीन रोमन मंदिर के पास दुनिया की सबसे पुरानी फेस क्रीम को ढूंढा है। ये क्रीम टीन के एक डब्बे में मिली है, जिसमें कुछ मात्रा में अभी भी क्रीम बची हुई है और इसमें उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्रीम को एनिमल फैट और स्टार्च से बनाया गया है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप दुनिया की सबसे लंबी लिमोजिन कार के बारे में जानते हैं? ये गाड़ी 100 मीटर की है। इसमें 26 पहिए, दो ड्राइवर कैबिन और एक स्पा, एक स्विमिंग पूल भी है और एक किंग साइज बेड भी है। फैक्ट नंबर फाइव, अगर दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो ये एक न्यूक्लियर वॉर होगी। दुनिया की 80% आबादी इसमें खत्म हो जाएगी और जो बाकी बचेंगे वो भी सिर्फ कुछ ही दिन तक सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि रेडिएशन ही इतनी ज्यादा होगी। इस तरह पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा। फैक्ट नंबर सिक्स, एक विमान में सबसे ज्यादा यात्रियों की यात्रा करने का रिकॉर्ड वर्ष 1991 में बना। इस साल बोइंग 747 में इथोपिया में रहने वाले 1186 यहूदियों को इजराइल लाया गया था। विमान के सफर के दौरान एक और नया रिकॉर्ड बना था। टेक ऑफ के समय यात्रियों की संख्या 1186 थी, लेकिन लैंडिंग के समय दो यात्री बढ़ गए थे और कुल संख्या 1188 हो गई, क्योंकि यात्रा के समय ही विमान में दो बच्चों ने जन्म लिया। फैक्ट नंबर सेवन, अलास्का में एक शहर है जहां 18 नवंबर को सूर्यास्त हो जाता है और सूर्य उदय 23 जनवरी को होता है। इस दौरान 66 दिनों तक पूरी तरह अंधकार होता है। इन्हें पोलर नाइट्स कहते हैं। फैक्ट नंबर एट, क्या आपने भारत में किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने के लिए आपका पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजा की जरूरत पड़ती है? ये जगह है पंजाब का अटारी रेलवे स्टेशन। यहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास अपना पासपोर्ट और पाकिस्तान का वीजा हो, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान की तरफ को समझौता एक्सप्रेस चलती है। यहाँ सुरक्षा बहुत ही कड़ी होती है। अगर आप यहाँ बिना पासपोर्ट और वीजा के दाखिल हो गए तो आपको बहुत ही कड़ी सजा होगी। फैक्ट नंबर नाइन, साउथ कोरिया में शादी में आने वाले लोगों की इतनी कमी होती है कि इन लोगों को किराए के मेहमान बुलाने पड़ते हैं। इस काम को करने के लिए यहाँ बहुत सी एजेंसीज काम करती हैं और इन किराए के लोगों को ये प्रति घंटे के हिसाब से पे करते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा खाना भी खाओ और पैसे भी कमाओ। फैक्ट नंबर 10, फ्रांस की एक कार कंपनी सिट्रॉन ने अपनी कार के एडवर्टीजमेंट के लिए 1925 में एफिल टावर को किराए पर लिया। इस टावर पर 1,25,000 लाइट्स की मदद से सिट्रॉन लिखा गया। सिट्रॉन को दर्शाते हुए ये लाइट्स लगभग 9 साल तक चलती रही और वर्ष 1934 में तब बंद करवाना पड़ा जब सिट्रॉन कंपनी दिवालिया हो गई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी का दिवालिया होने का कारण उन एडवर्टीजमेंट की लाइट्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल था। फैक्ट नंबर 11, पिछले साल हैलोवीन के मौके पर टेक्सास के रहने वाले इवन नोवाक ने अपने घर के बाहर ऐसा फेक क्राइम सीन क्रिएट किया था जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए और दर्जनों लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया। नोवाक ने क्या किया था वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। घर के बाहर का नजारा देखकर लोगों को लगा कि यहां बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। फैक्ट नंबर 12, एंजेलिका केनोवा एक रूसी यूक्रेनियन मॉडल हैं, जो अपने बार्बी लुक की वजह से फेमस हैं। बचपन से उनके पेरेंट्स ने उन्हें बार्बी डॉल जैसा लुक देना शुरू कर दिया था और ये देखने में बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी लगती हैं। बार्बी जैसी स्माइल के लिए इन्होंने अपने जबड़े की बहुत सारी सर्जरीज कराई हैं।